पतंजलि के झूठे विज्ञापन मामले में 2 अप्रैल यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव पेश हुए। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद के MD आचार्य बालकृष्ण भी देश की सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए। इस मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला की पीठ ने दोनों को कड़ी फटकार लगाई। मामले में पेश दोनों का हलफनामा कहाँ है, इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि दोनों ने माफी मांग ली है। कोर्ट ने कहा कि ये अदालती कार्रवाई है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 नवंबर के अदालत के आदेश के बाद भी अगले दिन रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिर्फ माफी पर्याप्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और पतंजलि विज्ञापन छापे जा रहा था। आप 2 महीने के बाद अदालत के सामने पेश हुए हैं। बता दें कि पतंजलि को आयुर्वेद के झूठे विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में पेश होने का समन जारी किया था। इसी के चलते बाबा रामदेव कोर्ट में पेश हुए हैं। इस मामले को लेकर कोर्ट का कहना है कि आपके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं जिनका जवाब आपको देना ही होगा। कोर्ट ने कहा कि आपने एक्ट का उल्लंघन कैसे किया, आपने कोर्ट के अंडरटेकिंग देने के बाद भी उल्लंघन किया, आप परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। क्या आपने एक्ट में बदलाव को लेकर मिनिस्ट्री से संपर्क किया है? इस पर पतंजलि ने स्वीकार किया कि उससे चूक हुई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अदालत की अवमानना का जवाब दीजिए। रामदेव की ओर से पैरवी कर रहे वकील बलबीर सिंह ने कहा कि हमारा माफीनामा तैयार है, जो बेंच ने कहा कि ये रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। बलबीर ने कहा कि ये तैयार था, लेकिन हम चाहते थे जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव किए जाएं। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बावजूद अखबारों में विज्ञापन दिए जा रहे थे और आपके मुवक्किल विज्ञापनों में नजर आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप देश की सेवा करने का बहाना मत बनाइए। रामदेव के वकील ने कहा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, पहले जो गलती हो गई है उसके लिए माफी मांगते हैं। रामदेव ने भी कोर्ट से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस आचरण के लिए शर्मिंदा हूं। हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। पीठ ने कहा कि देश की हर कोर्ट का सम्मान किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आपने हमारे आदेश के 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये विज्ञापन प्रकाशित करना दर्शाता है कि आपके मन में कोर्ट के प्रति कैसी भावना है। इस पर रामदेव के वकील ने कहा कि हमसे गलती हुई है, हम इससे मुंह नहीं मोड़ रहे हैं या छिपा नहीं रहे हैं, हम स्वीकारते हैं, हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के उत्पादकों को लेकर फटकार भी लगा चुका है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानतुल्ला की पीठ ने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आलोचना भी की थी। पिछले साल कोर्ट ने कंपनी को विज्ञापनों पर रोक लगाने का आदेश दिया था। नवंबर महीने में ही कोर्ट ने पतंजलि से कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो जांच के बाद कंपनी के तमाम प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों को भ्रामक बताते हुए याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। IMA का आरोप है कि पतंजलि ने COVID-19 वैक्सीनेशन को लेकर एक कैंपेन चलाया था। इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि पतंजलि आयुर्वेद की ओर से झूठे और भ्रामक विज्ञापन तुरंत बंद होने चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में ये भी कहा गया था कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। IMA ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट्स
कोरोनिल और स्वासरी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने को कहा था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पतंजलि और रामदेव को फटकार लगाई और उनसे कहा कि इस तरह की जो आचरण उन्होंने किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन्हें सजा मिलेगी। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।